आप देख रहे होंगे ना कितने कलरफुल बॉल्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने फ्रिज के ऊपर रखे हुए हैं ये। इनका पानी जो है गंदा हो गया था तो मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ और दिए मैंने पानी में डाल दिए हैं। तो सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सोच रहे होंगे इसी दिवाली तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो सो फ्रेंड्स दिवाली बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही है। 22 तारीख को फिर से राम जी आने वाले हैं। मैंने यहाँ पे दिए रख दिए हैं धोने के लिए और ये वीडियो छोटी दिवाली का है, तो आप लोग हंस रहे होंगे। मुझे ये बॉल्स बहुत पसंद हैं, अगर आप भी रखना चाहते हैं तो मार्केट में छोटी पैकेट में छोटी छोटी बॉल्स मिलती हैं। इसको जैसे ही आप पानी में डालते हो 2-3 घंटे में ये बड़ी हो जाती हैं, तो मैंने बोतल में डाल के रखी हुई हैं। बहुत सुंदर लगती हैं और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं नहीं दे पाई थी, तो मेरी तरफ़ से विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और साल तो आते जाते देर नहीं लगता है, 14 दिन इसमें भी बीत गए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जिस दिन खुश हैं, जिस दिन आपका मन अच्छा है, जिस दिन आप बहुत हैप्पी हो और आपके सारे काम अच्छे जा रहे हैं, तो सोचो कि आपका न्यू ईयर है और हैप्पी न्यू ईयर है, नहीं तो फिर न्यू ईयर नहीं है। पर कोशिश कीजिए कि आप जो भी कर रहे हो बेस्ट करिए, और बस कहते हैं ना कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए। आप जितना अपना बेस्ट देते हो और भगवान जी आप हमेशा साथ रहते हैं। तो देख सकते हैं मेरा स्माइली पेन है और ये फ्रिज के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ कमरे में, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, मैंने नहा लिया है और फिर मैंने छोटी दिवाली के दिन मैंने ये बेडशीट बिछाई थी। ये बेडशीट मैंने जो बेचने वाले आते हैं ना मोटरसाइकिल पे उनसे ख़रीदी थी, और ये बेडशीट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली है। तो इसमें लिखा हुआ था प्योर कॉटन, पर मुझसे गलतफहमी हो गई, प्योर कॉटन नहीं है। वैसे देख बिछाने के बाद तो काफ़ी सुंदर लग रही थी, पर आप इसको बिल्कुल गर्मी में बिछा सकते हो, इतनी पतली है। तो मैंने बिछाया है, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने यही वाली कुर्ती पहनी हुई थी छोटी दिवाली के दिन। बेडशीट बिछा दिया था, देख सकते हैं इसके अंदर चैन नहीं है, पर हाँ चैन लग सकती है बिछाने के बाद, काफ़ी सुंदर लग रही थी। लहरिया प्रिंट है इसका, बहुत सुंदर लग रही थी बिछाने के बाद, पर प्योर कॉटन नहीं है ये। उसके बाद शाम हो गई थी और ये गिफ्ट देख के मैं सच में फ्रेंड्स सच में बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये मेरी बेटी जो है इसे खोलने की कोशिश कर रही थी और खोलते खोलते हम इतना खुश हो रहे थे कि एक दिन पहले ही मैं अमेजोन पे देख रही थी काश ये मेरे पास होता। और सच में भगवान जी इतना मतलब ख्याल रखते हैं। मेरा मिनी फ्रायर है ये, और आप देख सकते हैं कितना क्यूट है, छोटा सा है। और जब मैं इसमें कुछ बनाऊँगी ना मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये लाइटें हैं, लड़ियाँ हैं और स्टिकर्स हैं, मिठाई के डिब्बे हैं। तो ऑलमोस्ट दिवाली की सभी तैयारियाँ हो गई थी। और रेडीमेड फ्लावर्स लड़ी जो होती है ना दीवारों पे लगाते हैं गेट के पास, वो भी थी। सभी कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया था और बहुत खुश थी मैं सभी चीज़ को लगाने के लिए। तो मैं घर को डेकोरेट कर रही थी और ये रेडीमेड माला हैं जो गेंदे के फूल से बने हुए हैं, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने एक लड़ी जो है ना वो काफ़ी लंबी थी, उसको मैंने गेट के सामने लगा दिया था। और मैंने जो दो लाइटें थी वो मैंने गैलरी में लगाई थी, गैलरी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो जब हम ज़्यादा खुश होते हैं ना तो कभी कभी डर लगता है कि इतने खुश हो रहे हैं कहीं नज़र ना लग जाए, तो बस वही हुआ था मेरे साथ। और बाहर भी दिए रख दिए थे मैंने, तो मैंने दिए भी जला लिए थे और लड़िया भी जला दी थी। शाम के 7 बज रहे थे, सभी कमरे में मैंने एक एक दिए रख दिए थे। और बाहर जो है ना वो लड़िया भी मैंने जला दी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आसपास बहुत सारे दिए जल रहे थे, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। तो फ्रेंड्स छोटी दिवाली मेरी काफ़ी अच्छे से गई थी, पर बड़ी दिवाली मेरी अच्छे से नहीं गई थी। उस दिन मेरी कॉलोनी में कोई एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से कॉलोनी में किसी ने दिवाली नहीं मनाई थी। तो बस ऐसी थी मेरी छोटी दिवाली, और बड़ी दिवाली को मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था। तो छोटी दिवाली ही मेरे लिए बड़ी दिवाली थी, उस दिन मैं बहुत खुश थी। और बस ये सिंपल सा कुर्ता पहना हुआ था मैंने, और बस इतना ही वीडियो में शूट कर पाई थी। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू।